Hello everyone, welcome to my YouTube channel Prishi Learning. Myself Preeti, and today's topic is milk and its composition. So let's start our topic. Let's start with the definition of the milk. Milk is a whole, fresh, clean, lacteal secretion obtained by complete milking of one or more healthy milch animals, excluding that obtained 15 days before or 5 days after calving to render the milk practically colostrum free. The milk is whole, fresh, clean or lacteal secretion of healthy milch animals. Lacteal means aise capillaries hote hain jo small intestine mein present hote hain jo ki fat ko absorb karke rakhte hain. तो मिल्किंग के टाइम पे यही जो फैट है ये वाइट फ्लूइड सीक्रेट करते हैं जिसे हम मिल्क कहते हैं। और जो डेफिनेशन में FSSAI की ये डेफिनेशन है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें काल्विंग से 15 डेज पहले और 5 डेज आफ्टर के दौरान जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि वो मिल्क जो होता है वो न्यूबॉर्न बेबी के लिए होता है। काल्विंग के तुरंत बाद जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसमें कोलेस्ट्रॉम प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रम जो है वो इनिशियल मिल्क होता है जिसके अंदर एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स और इम्यूनोग्लोबुलिन ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं, जो कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेनिफिट होता है, उनके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए होता है। इट शुड हैव अ प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ मिल्क फैट एंड SNF, और मिल्क में स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मिल्क फैट और SNF यानी सॉलिड नॉन फैट प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ मिल्क का एक और डेफिनेशन दिया है। Milk is a white opaque fluid in which fat is present as an emulsion, protein and some mineral matter in colloidal suspension, lactose together with some minerals and soluble proteins in true solution. Milk एक white opaque fluid है। Opaque means जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। तो milk एक white opaque fluid है जिसमें fat जो है as a emulsion की तरह present है milk में। इमल्शन जो है ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक इमिसिबल लिक्विड प्रेजेंट होते हैं। इमिसिबल लिक्विड ऐसे लिक्विड होते हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो फैट जो है वो एज अ इमल्शन की तरह प्रेजेंट है मिल्क में। इमल्शन का अगर हम एग्जांपल देखें तो दो तरीके के इमल्शन होते हैं, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन और वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, जिसमें से मिल्क जो है वो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन का एग्जाम्पल है। उसके बाद जो प्रोटीन और कुछ मिनरल मैटर है वो कोलाइडल सस्पेंशन की तरह प्रेजेंट है। कोलाइडल सस्पेंशन मींस सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो मिक्सचर है वो पूरी तरीके से घुलता नहीं है। डिस्पर्स या सस्पेंडेड फॉर्म में जो प्रेजेंट है जो पार्टिकल्स उसे हम कोलाइडल सस्पेंशन कहते हैं। तो प्रोटीन जो है वो कोलाइडल सस्पेंशन की तरह प्रेजेंट है, वो पूरी तरीके से मिल्क में घुलता नहीं है, सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और लैक्टोज के साथ कुछ सोल्युबल प्रोटीन्स ये जो है वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह प्रेजेंट है मिल्क में। ट्रू सॉल्यूशन मींस ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें जो पार्टिकल्स है सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है वो अच्छी तरीके से पूरे मीडियम में घुल जाता है। तो लैक्टोज जो है वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह प्रेजेंट है। मिल्क इज कंसिडर्ड एट संपूर्ण आहार कंप्लीट फूड। मिल्क को कंप्लीट फूड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो सब प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए बिल्कुल कंप्लीट माना जाता है। उसमें फैट, प्रोटीन, शुगर, मिनरल, विटामिन्स और जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स है वो सारे के सारे मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनफ होता है एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए। और मिल्क जो है वो कैल्शियम, फॉस्फेट्स और राइबोफ्लेविन का बहुत ही एक्सेलेंट सोर्स माना जाता है। अब है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क। तो मिल्क का जो केमिकल कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स और दूसरा है माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, वो कंपाउंड आते हैं जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है मिल्क में, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो माइनर में आते हैं। तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में वाटर, फैट, प्रोटीन, लैक्टोज और मिनरल मैटर्स आते हैं, जबकि माइनर में फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन और पिगमेंट्स आते हैं। तो अब मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम थोड़ा सा और डिटेल में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है वाटर। वाटर जो है एक मीडियम की तरह काम करता है जिसमें मिल्क के बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो आइदर डिजॉल्व होते हैं या तो सस्पेंडेड होते हैं। उसके बाद सेकेंड है फैट। तो जो फैट है मिल्क में वो मेनली स्मॉल ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और इन स्मॉल ग्लोब्यूल्स का जो रेंज है, जो साइज है, वो 0.1 से 22 माइक्रोन्स तक है,
लेकिन हम अगर एवरेज साइज देखें तो 2 to 5 microns है। और जो मिल्क है वो ऑयल इन वाटर टाइप का इमर्शन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोटीन। तो मिल्क प्रोटीन जो है वो मेनली कैसीन, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन एंड बीटा लैक्टोग्लोबुलिन से मिलकर बना है, जिसमें से कैसीन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। अबाउट 80% जो मिल्क प्रोटीन होता है वो कैसीन होता है और बाकी जो 20% जो बच गया वो वे प्रोटीन का पार्ट होता है। और कैसीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मिल्क में ही पाया जाता है जो कि कोलाइडल स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो जब हम कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, कर्ड के लिए जब हम एसिड डालते हैं दूध में, तो उस समय जो कर्ड का फॉर्मेशन है वो कैसीन की वजह से होता है। जो कैसीन है वो एसिड से प्रिसिपिटेट होता है, एसिड, रिनेट और अल्कोहल, इन तीनों चीज़ों से कैसीन जो है वो प्रिसिपिटेट होता है। जबकि अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर की वजह से जो मिल्क का ख़राब होना जो होता है वो वे प्रोटीन की वजह से होता है। तो मैं आपको एक डेली लाइफ से इसका बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ कि जब हम एक दिन पुराना जब कोई मिल्क हम गर्म करते हैं, जैसे कि आपने रूम टेम्परेचर पे कोई मिल्क रखा है और अब आप उसको गर्म कर रहे हैं, तो हीट करने की वजह से कई बार आप देखते हैं कि मिल्क जो है वो कॉगुलेट कर जाता है, प्रिसिपिटेट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो वो जो प्रिसिपिटेशन है वो वे प्रोटीन के कॉगुलेशन की वजह से होता है। वहाँ पे मेन रोल जो है वो वे प्रोटीन का होता है, कैसीन का मेन रोल नहीं होता है। और वे प्रोटीन में अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन और बीटा लैक्ट ग्लोबुलिन और इसके अलावा भी और भी छोटे छोटे जो प्रोटीन्स हैं वो आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कैसीन जो है वो कर्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और जो टेम्परेचर की वजह से जो दूध का ख़राब होना होता है वो वे प्रोटीन की वजह से होता है। नेक्स्ट है लैक्टोज। तो मिल्क में जो मेजर कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो लैक्टोज होता है, जिसको हम मिल्क शुगर कहते हैं। इसके अलावा अदर जो कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज के अलावा प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज और ओलिगोसैकेराइड्स, जो कि स्मॉल अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं। और लैक्टोज जो है एक डाइसैकेराइड होता है जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है और ये दूध में ट्रू सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था जब मैं मिल्क का डेफिनेशन आपको बता रही थी। तो लैक्टोज जो है वो ट्रू सॉल्यूशन के फॉर्म में मिल्क में प्रेजेंट होता है। इसलिए जब हम कैसीन को सेपरेट करते हैं तो उस समय जो लैक्टोज है वो वे प्रोटीन के साथ निकल कर आता है, कैसीन सेपरेट अलग होता है और जो वे प्रोटीन के साथ जो निकल कर आता है वो लैक्टोज होता है, क्योंकि वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह प्रेजेंट है पूरे मिल्क में। उसके बाद नेक्स्ट है मिनरल मैटर्स। तो मिनरल मैटर्स का जो फॉर्मेशन है वो मेजर सॉल्ट कॉन्स्टेंट की वजह से होता है। तो इसमें जो मिल्क में मेजर सॉल्ट कॉन्स्टेंट जो प्रेजेंट होते हैं उसमें आते हैं पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सिट्रेट, क्लोराइड, सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट। इसके अलावा जो ट्रेस एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें बाकी सब मिनरल्स और सॉल्ट कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो ये मिल्क का कॉन्स्टेंट्स है, ये इसका कॉम्पोजिशन भी वेरी करता है मिल्क टू मिल्क, अलग अलग स्पीसीज में, अलग अलग ब्रीड में जो इनकी कॉम्पोजिशन है कॉन्स्टेंट्स का वो डिफर करता है। तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मिल्क के कॉम्पोजिशन को इफेक्ट करता है, जैसे कि स्पीसीज भी इफेक्ट करता है, उसके बाद ब्रीड, इंडिविजुअलिटी, मिल्किंग इंटरवल मीन्स कितने कितने टाइम में आप मिल्किंग कर रहे हो, उसके बाद फीडिंग मीन्स क्या फीड कराया जा रहा है, एज क्या है एनिमल की, हेल्थ कंडीशन कैसी है, उसके बाद जो हम एनिमल्स को किस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं, जिसमें हम अगर फीड है तो उसकी क्या क्वालिटी है, क्या नेचर है, किस तरीके का हम फीड दे रहे हैं, स्टेज ऑफ लैक्टेशन मीन्स लैक्टेशन की कौन से स्टेज में है उस पर भी डिपेंड करता है, और डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ मिल्किंग, या हम एक बार में ही पूरी मिल्किंग कर ले रहे हैं या फिर थोड़े थोड़े अमाउंट में हम मिल्किंग कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं इन सब पे ये डिपेंड करता है कि मिल्क का कॉम्पोजिशन जो है वो इंडिविजुअल में वो क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने बफेलो और काओ का जो कॉम्पोजिशन है वो दे रखा है। तो बफेलो में वाटर जो है वो 84.2 होता है और काओ में 86.6 होता है। बफेलो मिल्क में वाटर कम होता है और काओ मिल्क में वाटर ज़्यादा होता है, जबकि जो फैट है वो बफेलो मिल्क में ज़्यादा होता है और काओ में कम होता है। प्रोटीन जो है बफेलो में 3.9 है और काओ में 3.4 है। लैक्टोज जो है वो 5.2 है बफेलो में और 4.9 काओ मिल्क में है। एश जो है वो 0.8% होता है बफेलो मिल्क में और काओ मिल्क में 0.7% प्रेजेंट होता है। अब यहाँ एंड में मैंने मिल्क के कॉन्स्टेंट्स को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ जो मिल्क है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक वाटर वाले पार्ट में और दूसरा टोटल सॉलिड्स वाले पार्ट में।
जिसमें से वाटर जो है वो 87% होता है मिल्क का और टोटल सॉलिड्स जो है वो 13% होता है। अब टोटल सॉलिड्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फैट और नॉन फैट। फैट वाला जो पार्ट है वो 3.5% है, जबकि सॉलिड नॉन फैट वाला जो पार्ट है वो 9% है। और फैट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रू फैट में और एसोसिएटेड फैट में। मिल्क का जो मोस्टली फैट है वो ट्रू फैट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और उसमें भी ज़्यादातर ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। 98% जो फैट है वो ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट है मिल्क में। उसके अलावा मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और फ्री फैटी एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट है। उसके बाद है एसोसिएटेड फैट। तो एसोसिएटेड फैट ऐसे फैट होते हैं जो दूसरे कंपाउंड से मिलकर एसोसिएट होकर फैट को फॉर्म करते हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स। तो इसमें फॉस्फोरस और लिपिड्स को मिलकर ये फैट बना है, इसलिए इसका नाम है फॉस्फोलिपिड्स। उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल, कैरोटीन और विटामिंस। तो जितने भी फैट सोल्युबल विटामिंस है वो सारे एसोसिएटेड फैट के एग्जांपल हैं। उसके बाद अगर हम SNF की तरफ आते हैं, सॉलिड नॉन फैट की तरफ आते हैं, तो ये भी फर्दर फोर पार्ट में डिवाइडेड है। तो जिसमें से पहला जो है वो लैक्टोज है। तो लैक्टोज जो है वो 4-5% होता है मिल्क का। और लैक्टोज के अलावा जो बाकी कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो लैक्टोज ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद है नाइट्रोजिनस सब्सटेंस। तो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्रोटीन वाले पार्ट में और दूसरा नॉन प्रोटीन वाले पार्ट में। तो प्रोटीन वाला जो पार्ट है वो 3-4% होता है, जिसमें से कैसीन प्रोटीन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है मिल्क में, जो कि 80% होता है प्रोटीन का। और कैसीन में भी अल्फा कैसीन, बीटा कैसीन या गामा कैसीन ये प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से अल्फा कैसीन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। उसके बाद है अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन, बीटा लैक्टोग्लोबुलिन, प्रोटीज पैप्टोन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, सीरम एल्ब्यूमिन। तो अगर हम प्रोटीन को भी देखें तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक कैसीन वाला पार्ट और दूसरा वे प्रोटीन। तो कैसीन वाला पार्ट जो है वो 80% हो गया, तो और बाकी जो 20% बचा वो वे प्रोटीन हो गया। और वे प्रोटीन में ये सारे प्रोटीन आ जाते हैं, ये अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन, बीटा लैक्टोग्लोबुलिन, प्रोटीज पैप्टोन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स और सीरम एल्ब्यूमिन। ये सारे जो है वो वे प्रोटीन का पार्ट है। उसके बाद जो नॉन प्रोटीन है उसमें यूरिया, अमाइंस, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, एडेनाइन और ग्वानिन आते हैं। उसके बाद है मिनरल मैटर, जो कि 1-2% होता है, और इसमें फोस्फेट, सिट्रेट्स, क्लोराइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आ जाते हैं। इसके अलावा कॉपर, आयरन और आयोडीन के कुछ ट्रेसेस आ जाते हैं। तो जितने भी जो सॉल्ट्स है वो सारे मिनरल मैटर में आ जाते हैं। अब इन सब को छोड़कर भी कुछ कंपाउंड्स और बच जाते हैं जो कि अदर्स में डाले गए हैं, जिसमें है पिगमेंट्स, डिसॉल्व्ड गैसेस। पिगमेंट्स में हम कैरोटीन ले सकते हैं, इसमें पिगमेंट्स में कैरोटीन जो है वो अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद कुछ डिसॉल्व्ड गैसेस होते हैं, देन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एंजाइम्स, बैक्टीरिया। तो एंजाइम्स का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, जिसे हम इंडिकेटर ऑफ पाश्चराइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि इस एंजाइम से हमें पता चलता है कि हमारा जो पाश्चराइजेशन है वो अटेन हुआ है या नहीं, मीन्स हमारा पाश्चराइजेशन जो है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। उसी तरह बैक्टीरिया में भी एक बैक्टीरिया होता है जो पाश्चराइजेशन का इंडिकेटर होता है, उसका नाम है कॉक्सिला बर्नेटी। तो इसी तरह बहुत सारे एंजाइम्स और बैक्टीरिया जो है मिल्क में वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये था पूरा मिल्क और उसके कॉन्स्टेंट्स के बारे में। आई होप कि आपको ये टॉपिक सही ढंग से समझ में आया होगा, लेकिन अब भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।